पेट्रोल पंप पर बड़ी लूट, तीन को मारी गोलियां। सोनीपत में टीडीआई के पास गर्व पेट्रोल पंप पर कार में सवार होकर पहुंचे चार बदमाशों ने काफी कैश की लूट की है। विरोध करने पर पंप संचालक से मारपीट की और दो दो कर्मचारी और एक ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। देर शाम तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया था। टीडीआई के पास गर्व पेट्रोल पंप पर कार में सवार होकर चार युवक पहुंचे। उन्होंने कार को पेट्रोल पंप के पास हाईवे पर ही खड़ा किया और सीधे पेट्रोल पंप के केबिन में पहुंच गए। बदमाश पिस्टल लिए हुए थे। पेट्रोल पंप संचालक राकेश ने बताया कि वह अंदर ही बैठा था। उन्होंने पैसे लूटने की कोशिश की तो उसने विरोध किया। इस पर उन्होंने उसके साथ मारपीट की। इस दौरान बचाव में पेट्रोल पंप के दो कर्मचारी आए तो उनके पैर में गोली मार दी। इसके बाद उन्होंने पंप पर रखी नकदी को बैग में भर लिया और भागने लगे। इस दौरान तेल डलवाने के लिए पहुंचे एक ट्रक चालक ने विरोध किया तो उसके भी पैर में गोली मारकर भाग गए। राकेश ने बताया कि पंप के कर्मी नान्हा व संजीव एक ड्राइवर को गोली लगी है। इन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल किया गया है। दिन भर पंप पर हुई आमदनी के पैसे रखे हुए थे जो कि बदमाश उठाकर ले गए। घटना के बाद यहां लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस भी सूचना के बाद मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। वही आसपास नाकेबंदी की गई लेकिन आरोपियां कोई सुराग नहीं लगा। ये तकरीबन 8:50 के आसपास यहाँ पे लड़के शिफ्ट चेंज कर रहे थे तो हिसाब से मिला रहे थे तो इसी मौके पे चार बंदे आ गए। सबके हाथों में वो थे हथियार थे तो ये दरवाजा ऐसा उस लड़के ने देख के अंदर से दरवाजा एकदम बंद किया। एकदम से उसने झटका मारा, फोल्डर खोल लिया उसने। फिर लड़कों को पीटा उन्होंने काफी, थप्पड़ थप्पड़ मारे। एक के अंदर ही उसको गोली मार रही है जी। तो फिर लड़कों ने मतलब गोली चल गई तो लड़के बाहर निकाल दिए उन्होंने सारे। फिर खुद ही गले से पैसे उसे निकाल के बाहर जा रहे तो एक गाड़ी खड़ी है सामने जी। इसके ड्राइवर ने उसको बोला पकड़ो पकड़ो, उस ड्राइवर को पांव में गोली मारी। एक लड़का और रजिस्टर कर रहा था, ये बाहर से आया भाग के, उसके पांव में गोली मारी उन्होंने। सर कितने लोगों को घायल है इसमें? तीन बंदे जी। एक कितना कैश रखा था? कैश तो अभी करीबन कोई 3-4 लाख रुपए तो होगा कम से कम। बाकी तो ये अभी गाड़ी थी, चार बंदे ऐसे गाड़ी तो बाहर कोंडे पे खड़ी करके चार लोग अंदर आए हुए थे। पुलिस कितनी देर बाद पहुंची? पुलिस तो जी पहुंच गई थी। पुलिस तो हमने इमीडिएटली कॉल कर दिया था, पुलिस तो आ गई थी। हाँ पुलिस तो आ गई। गायलों को किस तरह अस्पताल में? गायलों को वो पहले तो हम सामने हॉस्पिटल ले जा रहे थे, पन्नामी हॉस्पिटल सामने, लेकिन फिर एम्बुलेंस आ गई तो वो हरिश्चंद्र हॉस्पिटल ले गई। हरिश्चंद्र में एम्बुलेंस में गए? हाँ जी। क्या क्या नाम था जो कर्मचारी थे? एक तो ड्राइवर था ये बेचारा, इसका तो नाम मेरे को नहीं मालूम। एक काला है और एक नंदा जी। आपके क्या नाम? मैं राकेश जी। उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, फिर हम सीधे यहीं लेके आए, नजदीक पड़ता है, जल्दी यहाँ पे लेकर आए। तो आपने पुलिस को कॉल किया? पुलिस को कॉल कर रखा था। पुलिस तो एम्बुलेंस वगैरह, हमारे एम्बुलेंस भी नहीं आई और हमारे आने के बाद पुलिस वाले आए, पता नहीं क्या हुआ। तो आप कैसे लेके आए इनको? ऑटो से ले आए सर। ऑटो से लेके आए? सीएनजी को भरवाने वाला ऑटो आया था तो उसको हम लेके आए। एम्बुलेंस कोई नहीं पहुंची? पहुंची नहीं सर। आधे घंटा वेट करा, वहाँ पड़े रहे थे लोग। तो आधे घंटे में एम्बुलेंस नहीं आई? नहीं आई सर। क्या नाम है सर आपका? किशोर नाम है। किशोर क्या हुआ था? सर बदमाश आए थे, कैश लगा, हम लोग अपना कैश वैश लगा रहे थे, कैश वैश लगा के कुंडी खुला बंद थी, एकदम से हाथ मारा, तो एकदम से खोल दिया, एकदम से गोली चलाना फायरिंग शुरू कर दी। कितने लोगों को लगी है? तीन आदमी को लगी है। दो वो गेट हमने बंद करके लगा रहे थे, एकदम आते उसने गुस्सा सा मारा के बारे में। मैंने सोचा हमारा कोई कस्टमर होगा या हमारा बंदा होगा, उसने खुलवाने को मारा होगा, उसको क्या पता अंदर कौन है। वो तो फिर हमने देखी कौन है, इतने कहते खुल गए, कोई घुस के भी चार पांच बंदे थे। तो मतलब कि आपका कहने का मतलब ये, कितने लोग आए थे? चार पाँच थे। चार पाँच फायर कितने हुए? कम से कम 5-6 फायर करे हैं। 5-6 फायर हुए हैं? तीन तो लगे लगे हैं, बाकी वैसे भी कर लेते। पुलिस आधे घंटे तक नहीं पहुंची? नहीं पहुंची सर। और ना ही एम्बुलेंस पहुंची? घायल वहीं पड़े रहे थे? वहीं पड़े रहे थे। तो आप फिर खुद लेके पहुंचे? बाबू जी से बात करने के बाद ऑटो से लेके आए। तो ऑटो से आप पहले प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद यहाँ लेके आए? हाँ जी। तो ऑटो में कितना समय लगा होगा इस चीज को? जी 1 घंटे के आसपास लग गया। 20-25 मिनट आने में? आने में। और आधा घंटा वहाँ पे, करीबन 1 घंटा लगा। तो चेहरे पर कुछ बांध रखा था उन्होंने? बांध रखा था, हेलमेट भी पहन रहे थे। अच्छा। बाइक तो पंप पे हमारे को दिखाई भी नहीं थी, बाहर खड़ी करके आई शायद। तो कितना फायर कितने हुए, कितने राउंड फायर? एकदम 5-6 फायर हुए। अच्छा। तो लगी कितने लोगों को? बोले लोगों को
एक को छाती में लग रही है, दो को पैरों में लग रही है, जो हॉस्पिटल में है। जिनको गोलियां लगी है वो पंप वाले या तेल डलवाने आए थे? एक कस्टमर तेल डलवाने वाला है, दो पंप वाले काम करने वाले, एक नाइट ड्यूटी का है एक डे ड्यूटी का। कौन सी जगह पे पंप आपने? अपना टीडीए मॉल के सामने, गर्व ऑटो के टीडीए मॉल के सामने। नाम है सर आपका? नंदलाल शर्मा। नंदलाल जी क्या हुआ था? अब फोन आया हमारे पास में तो ड्राइवर को गोली लगी है और दो पंप वाले सेल्समैन उनको गोलियां लगी बता रहे हैं। मिला हमको कौन सा भी नहीं है अभी तक, तो न तो पंप वाले मिले हैं न हमारा ड्राइवर से मिलने दिया, अंदर हॉस्पिटल में ही है। पुलिस कितनी देर में पहुंची है ये सब होने के बाद? पुलिस उसके आध पौन घंटा बाद में पहुंची बता रही है, और एम्बुलेंस तो और लेट आई है। तो तब तक वहीं पड़े रहे घायल? नहीं, ऑटो में भेज दिया था सेल्समैन ने, उन्हें ऑटो में भेजा है आधी घंटा के बाद में बता रहा है। तो आधा घंटा घायल वहीं पड़े रहे थे। कितनी देर बाद पहुंची हरियाणा पुलिस? हरियाणा पुलिस भी पौन घंटा के बाद में पहुंची हुई सर। अच्छा जी, कितनी गोलियां लगी आपके ड्राइवर को? एक गोली हमारे ड्राइवर को लगी है, एक एक गोली सेल्समैन और वो लगी दोनों को, एक को छाती के अंदर लगी है, तो ड्राइवर और एक सेल्समैन को पाँव में लगी है। आप क्या काम करते हैं? हम ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था? अंदर में 23 घंटे कर रहे थे, मैं तेल भर रहा था तो देखा तो अंदर में लोग मारामारी कर रहे थे, तो मैं दौड़ते हुए गया, तो जैसे दौड़ते गया मैं आवाज लगाया तो एकदम से मेरे ऊपर फायर कर दिया है। कितने फायर हुए? एक ही फायर हुआ। अच्छा, कैश भी ले गए लूट? कैश भी ले गए लूट कर। कितना ले गए ये नहीं बता सकता, कुलदीप नाम के लड़का वो बताएगा, उसको पूरा बता। कितने लोग थे? तीन लोग, मेरे देखने में तीन लोग थे। अच्छा, दो रिवॉल्वर में रखे थे, दो हाथों में, दो आदमियों के पास रिवॉल्वर, दो लोगों के पास में था और एक ने हेलमेट बांध रखा था। आप क्या पेट्रोल डालते थे? हाँ जी, मैं पेट्रोल डीजल डाल रहा था। ठीक। धीरेन्द्र, कैसे क्या घटना हुई भाई, क्या बातचीत हुई, कितना कैश था, कितने लोगों को गोली लगी है? कैश का तो बता दीजिए कितना था, बाकी हिसाब में तो नाट वाला हूँ, गाड़ी में तेल डाला, देखा तो उधर मारपीट हो रही, मैं बोला क्या कर रहा है, बात बता क्या हुई, मेरी ऊपर तान दी, मैं पीछे तक। कितने लोगों को गोली हमारी है? तीन लोगों की जी। अच्छा, क्या हालत बने हुए हैं? हालत तो अब देखो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बाकी ट्रीटमेंट चल रहा है। पैसे वैसे कितने थे, कैश वैसे? ये पता नहीं कितने पैसे। तो पुलिस कोई मदद कर रही है? पुलिस तो वहाँ मदद कर रही है, आए तुरंत आए, कार्रवाई चल रही है। कितनी कितनी गोलियाँ लग रही हैं? तीन का तो गोली लगी है, हवाई फायर भी किए। अच्छा अच्छा, कैश का पता नहीं? कैश का पता नहीं। कौन किन किन को लगी है गोली? संजीव, प्रदीप और एक एबीजी का ड्राइवर है। उसका क्या नाम है? नाम का उसका पता। आपका क्या नाम है? धीरेन्द्र जी। धीरेन्द्र, कौन सा पंप है ये? गर्व ऑटो किया। ठीक, गर्व ऑटो। ये हमें जो है कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि जो है गन पॉइंट पे स्नेचिंग की है, कुछ पैसे जो है पेट्रोल पंप से लूटे गए हैं, जिसकी हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हुए हैं। जो हमें प्रारंभिक जांच से पता चला है कि जो तीन जो बंदे हैं उनको गोलियां लगी हुई हैं और उन इलाज के लिए रेफर कर दिया जा रहा है, बाकी कितने की लूट हुई है ये अभी कुछ पता नहीं चल पाया। लोग आए थे, कैसे पहुंचे थे? ये इससे ज़्यादा भी बाद में पता चलेगा। जो गाड़ी में बता रहे हैं भाई, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया, वीडियो फुटेज देखने से ही क्लियर हो पाएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।